आम तौर पे आप देखेंगे कि जुए और शराब में बड़ा गहरा ताल्लुक है शराबी लोग होते हैं जो जुआरी होते हैं और जुआरी लोग जो होते हैं वो शराबी होते हैं अरबों में ये भी बहुत आम थी क्योंकि जुआ खेलने के लिए आदमी को दिल खोल करके अपना पैसा लगाना होता है और जब तक के इंसान की अक्ल सही सालिम रहेगी वो जुए में अपना पैसा नहीं लगाएगा तो पहले क्या करता है इंसान शराब पीता है शराब पी करके जब वो नशे में धुत हो जाता है तो फिर वो पैसा लगाने की उसके अंदर हिम्मत आ जाती है अक्लमंद आदमी बेवकूफ़ी नहीं करेगा पैसा अपना मेहनत की कमाई जुए में लगाने की तो हर जमाने में ये रहा है कि शराब का जुए के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है इवन आज के दौर में भी आप देखें तो जो इलाके और जो शहर जुए के हवाले से बहुत मारूफ है वो शराब के हवाले से भी बहुत मारूफ है जैसे पूरी दुनिया में लास वेगास वो एक बहुत बड़ी सिटी मानी जाती है जुआ खेलने की अमेरिका की तो आप देखेंगे कि वो शराब भी वहां पर आम है हरामकारी और भी वहां पर आम है हिंदुस्तान में आप देखें गोवा है गोवा अपनी मतलब कल्चर के हिसाब से जैसा उसके यहाँ शराब आम है वैसे ही वहाँ पर जुआ भी बहुत आम है हिंदुस्तान की चंद ही जो रियासतें हैं जो जुए को गैम्बलिंग को अलाउ करती हैं उसमें से गोवा है तो अल्लाह के नबी था ज़माने में भी ये था कि शराब और जुए का बहुत गहरा ताल्लुक था इसलिए अल्लाह ने शराब और जुए दोनों का जिक्र एक साथ फरमाया और क्या फरमाया रिज सुन ये गंदगी है गंदे लोगों का काम है हुरमत की सबसे पहली दलील है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको गंदगी का है